विनिंग इज अ हैबिट और लगता है कि यह हैबिट हमें लग चुकी है। इंडियन टीम इज ऑन अ रोल। ऑस्ट्रेलिया से लास्ट मैच में जीतने पर जो नंबर वन रैंकिंग हमने अचीव करी थी उसी के साथ हम वर्ल्ड कप में एंट्री करेंगे। रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि पिछले 6 वर्ल्ड कप में से 5 बार उसी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है जो वर्ल्ड कप से पहले नंबर वन रही हो। सो इज दिस अ साइन फॉर थिंग्स टू कम। सेकेंड वनडे में जीतने के साथ ही हमने सीरीज भी जीत ली है और ऑस्ट्रेलिया से लास्ट वनडे सीरीज की हार का भी हिसाब चुका दिया है। अब लास्ट मैच में जीत हार से ना तो सीरीज के रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट आएगा और ना ही रैंकिंग पर। बहुत कुछ हुआ है इस मैच में जिनमें से कुछ तो काफी अजीबोगरीब भी रहा है। एज ऑलवेज सभी मुद्दे पर हम बात करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जीतने के साथ साथ जिस तरीके से टीम जीतती है वो भी काफी कुछ बता जाता है। यह मैच भी हमने उसी डोमिनेटिंग तरीके से जीता जिस तरीके से हम जीतते आ रहे हैं। मोहाली की तरह ही इंदौर का होलकर स्टेडियम भी फेमस है अपने हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स के लिए। बहुत चौके छक्के लगते हैं इस ग्राउंड पर क्योंकि इस ग्राउंड की बाउंड्रीज काफी छोटी है। फॉर्चुनेटली फॉर अस, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद बड़ा ब्लंडर कर दिया और उन्होंने हमें बैटिंग करवा दी, यह जानते हुए भी कि इस ग्राउंड पर अब तक 292 से ज्यादा का टारगेट चेज ही नहीं हुआ है और इसीलिए हाई स्कोरिंग ग्राउंड होने के बावजूद यहां पर चेज करना टफ होता है। जोश हेजलवुड ने टीम में वापसी करी और गायकवाड़ का अर्ली विकेट भी ले लिया। ऑस्ट्रेलिया को स्टार्ट तो काफी अच्छा मिला बट इसके बाद जो हुआ वो शायद ऑस्ट्रेलिया ने सोचा भी नहीं था। श्रेयस अय्यर आए और आते ही चौकों की झड़ी लगा दी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि श्रेयस को डिस्पाइट प्रेशर अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए और ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने एवर रिलायबल शुभमन गिल के साथ बड़े ही अग्रेसिव तरीके से हिस्टोरिक 200 रन की पार्टनरशिप कर डाली। जैसी बैटिंग हो रही थी उससे एक बात तो तय हो गई थी कि मैच में कुछ स्पेशल होने वाला है और वो हुआ भी। इंडिया ने 399 रन बना डाले जो कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हमारा अब तक का हाईएस्ट ओडीआई स्कोर है। श्रेयस की ये इनिंग्स बताती है कि वो हमारी टीम का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इट वॉज सो गुड टू सी हिम प्लेइंग हिज नेचुरल गेम। रही बात शुभमन गिल की तो अब तो उनकी ज्यादा तारीफ करने से भी डर लगता है कि कहीं नजर ना लग जाए। क्या ही फॉर्म में है वो। इस साल की ये उनकी 5th सेंचुरी है और जिस कंसिस्टेंसी से वो रन बना रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। श्रेयस और गिल ने अपनी सेंचुरीज तो करी पर अनफॉर्चुनेटली उसे ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाए और आउट हो गए, बट इसके बाद भी रन का फ्लो धीमा नहीं पड़ा। यही एक बड़ा चेंज हमें इंडियन टीम के माइंडसेट में देखने को मिला है। एवरीबॉडी प्लेज विद पॉजिटिव इंटेंट एंड क्लियरिटी। जो भी बैट्समैन आज आ रहा था वो अटैकिंग मोड में था और सेट होने में किसी ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया। ईशान और केएल ने तो अपनी पारी की शुरुआत ही 6 से करी और एंड में तो सूर्या ने ऑसी बॉलर्स का तेल ही निकाल दिया। कैमरन ग्रीन को तो मार मार कर उन्होंने कैमरन रेड कर दिया। इसी वजह से एक और सेंचुरी हमें देखने को मिली, वो थी कैमरन ग्रीन के बॉलिंग करियर की। इंडियन टीम ने शुरू में ही असेस कर लिया था कि पिच 350 का नहीं उससे भी ज्यादा का है और हम थ्रू आउट उसी गोल से खेले। इतने बड़े स्कोर को चेस करने का क्या प्रेशर होता है वो हमें देखने को मिला ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स में। प्रसिद्ध ने अपने पहले ही ओवर में लगातार बॉल्स पर मैट शॉट और स्टीव स्मिथ को आउट करके ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ दी। दोनों ही बहुत खराब शॉट पर आउट हुए, स्पेशली स्टीव स्मिथ को। जब आप इस तरीके के शॉट खेलते हुए आउट होते हुए देखते हैं तो पता ही चल जाता है कि स्कोरबोर्ड का प्रेशर क्या होता है। बारिश के बाद जब ऑस्ट्रेलिया को 33 ओवर में 317 का रिवाइज टारगेट मिला उसके बाद तो काफी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली। लेफ्ट हैंडर डेविड वार्नर को अश्विन के अगेंस्ट खेलने में काफी परेशानी आ रही थी तो वो हिलेरियसली राइट हैंडेड बैटिंग करने लगे। बच तो वो फिर भी नहीं पाए और LBW आउट हो गए, बट यहाँ भी उनको खुद को ही नहीं पता चला कि बॉल बैट से टच हो गई है और रिव्यू तक नहीं लिया। इसके बाद कैमरन ग्रीन भी हिलेरियसली रन आउट हो गए। क्रीज पर तो वो पहुंच गए थे बट उन्होंने बैट को ड्रैग ही नहीं किया। पिच पर काफी टर्न मिल रही थी और जड्डू और अश्विन ने ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को पैक करके रख दिया। बोलना पड़ेगा कि अश्विन की बॉलिंग आज आउटस्टैंडिंग थी। कोई भी बैट्समैन उनके अगेंस्ट कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। यही तो हमें उनसे चाहिए था। लास्ट मैच की डल बॉलिंग के बाद आज की बॉलिंग में जमीन आसमान का अंतर था। अब कह सकते हैं कि अगर अक्षर पटेल फिट नहीं हो पाते हैं वर्ल्ड कप से पहले तो अश्विन को उनकी जगह टीम में होना चाहिए। बट स्टिल जीतने के बावजूद भी इंडियन टीम में कुछ बड़ी कंसर्न्स अभी भी बाकी है। विनिंग की अच्छी हैबिट के साथ साथ बैड फील्डिंग और कैचिंग की भी हैबिट हमारा साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। इस मैच में भी हमने 2 इजी लड्डू कैच टपका दिए और साथ ही ग्राउंड फील्डिंग भी काफी ऑर्डिनरी रही। अब मामला थोड़ा सीरियस हो गया है क्योंकि यह अब एक पैटर्न सा बन चुका है
और इस पर अगर काम नहीं हुआ तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के टेल एंडर्स ने 140 पे 8 से 217 तक का स्कोर पहुंचा दिया, क्योंकि हमने कैचेस छोड़ दिए थे उनके। यहाँ हमें बात करनी होगी राहुल की कैप्टेंसी की भी, जो काफी कैजुअल रही। 140 पे 8 के बाद उन्होंने अश्विन या शमी को ना लगा के और बॉलर से बॉलिंग करवाई और ऑस्ट्रेलिया के टेल एंडर को 77 रन की पार्टनरशिप करने दी। इंस्टेड उन्हें मेन बॉलर्स को लाकर ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को निपटाने के लिए सोचना चाहिए था। वक्त आ चुका है शार्दुल ठाकुर पे भी फाइनल डिसीजन लेने का। उनकी प्लेइंग 11 में तो किसी भी तरीके से जगह नहीं बनती। आज भी उनकी बॉलिंग काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लगी। टेल एंडर्स भी उनकी बॉलिंग पे काफी ज्यादा रन बना रहे थे। आई सी नो सेंस इन प्लेइंग हिम फर्दर। अगर इंडियन टीम डिसाइड करती है कि उनको एज एन ऑलराउंडर आगे भी वो खिलाएंगे तो मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है वर्ल्ड कप में। नाउ सीरीज का फाइनल मैच 2 दिन बाद वेडनेसडे को होगा और रोहित, विराट और बाकी सीनियर खिलाड़ी भी एक्सपेक्टेड है कि उसमें खेलेंगे। आई थिंक बुमराह और कुलदीप उसमें ना भी खेले तो चलेगा, क्योंकि सीरीज तो हम पहले ही जीत चुके हैं। लास्ट मैच बट ऑस्ट्रेलिया के लिए इम्पोर्टेंट है। पिछले 5 मुकाबले लगातार वो हार चुके हैं, जो कि उनके लिए एक वरीसम साइन है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या मिशेल स्टार की टीम में वापसी होती है और क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना ये लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ पाती है कि नहीं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है लास्ट मैच भी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।